राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और मैं अभी जो मुझे जानकारी मिली कि आज के दो दिन पूर्व शिवहर जिले के रोहुआ पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय सुबोध राय जी के घर पर अपराधियों द्वारा फिर से गोलीबारी की जा रही है। हम इस वक्त सुबोध राय जी के परिजन के साथ बैठे हुए हैं। हम सीधा उनके पास मोबाइल देते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनिए कि क्या क्या हुआ। ये है सुमन राय जी, सुबोध राय जी के साला हैं। आज से पूर्व दो दिन पहले लगभग 3:30 सुबह में 7-8 मोटरसाइकिल पर तकरीबन 20 के संख्या में वही अपराधी लोग आए और फिर धनाधन फायरिंग किए, जिससे पूरा परिवार दस्तक में है। प्रशासन द्वारा, सरकारी तंत्र द्वारा अभी तक किसी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है, एक के सिवा। शिवहर जिले की पुलिस सो गई है, इसी की वजह से अभी तक कोई अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। और जैसा कि लगता है कि वो लोग जो चाह रहे हैं कि इनके पूरे परिवार, सगा संबंधी को अब इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग काफ़ी भयभीत हैं, कभी भी किसी क्षण किसी के साथ अप्रिय घटना हो सकता है। अब बताइए, आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम लोगों के दुनिया में रहने का कोई राइट नहीं है क्या? आज हमारे बहनोई स्वर्गीय सुबोध कुमार राय इसी समाज के दबे कुतले, समाज के सेवा के लिए आज अपनी जान गंवा दिए। पूर्व में 10-12 साल पहले इसी समाज के सेवा में उनके पिताजी, चाचा, छोटा भाई और दो नौकर की हत्या हो गई। समाज के लोग, हमारे वर्ग के लोग सो गए हुए हैं। अगर अभी नहीं जागिएगा तो फिर देखिएगा, आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होना तय है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग हमें सहयोग करें, जिससे सरकारी तंत्र पर दबाव पड़े और जल्द से जल्द अपराधियों के पकड़ कर उसको कानूनी कार्रवाई की जाए उस पर। ये थे स्वर्गीय सुबोध राय जी के साला सुमन कुमार राय जी। मैं अररिया से भागा अररिया का मैटर आप लोग के समक्ष रखा और उस मैटर पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा। पटना में उस मैटर पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और वहाँ से तब तक इधर घटना हुआ, भागा यहाँ पे पहुँचा। और मैं इनके पास, इनके घर पे मैं हूँ। और अब आप ही लोग समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संतोष रेणु जैसे जाति बात करता है, ये करता है, वो करता है। मैं इस दर्द को मैं क्या समझूं, जिनके घर में आज के 12 साल पहले 5-5 हत्या हुई, आज के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले उस घर का मुख्य स्तंभ को गोलियों से छलनी करके उजाड़ दिया गया, उसके बावजूद 2 दिन
पहले फिर से गोलीबारी की जा रही है। मैं समस्त में यादव समाज से, ओबीसी समाज से, एससी एसटी समाज से, अल्पसंख्यक समाज से और जनरल में भी जो अच्छे लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपराधी किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, वो समाज के लिए हमेशा हानिकारक ही होते हैं। इस मुद्दे पर अब अगर सरकार नहीं जागती है, प्रशासन नहीं जागते हैं, तो देशव्यापी जन आंदोलन हम लोग करने की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होगी, अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये जो शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो लगातार इस घटना की नज़र अंदाज की जा रही है, इस घटना को इग्नोर किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। सरकार को उनकी नीतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि यादवों के खून की प्यासी हो चुकी है सरकार। तो आप खून के प्यासे हो जाएं, हमें अपने कुल, हमें अपने खानदान, हमें अपने परिवार की चिंता है, और फिर वही चीजें हो जाएंगी कि आप जब जिस रास्ते को अख्तियार करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोनो चूड़ी पहन करके बैठे हैं, वो रास्ता हम लोग को भी अपनाना आता है, लेकिन हम लोग संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग कानून पे भरोसा करने वाले लोग हैं, और हम लोग अपने संस्कार को नहीं भूलते। लेकिन अंत जब सामने वाला करेगा तो हम लोग भी कब तक भागेंगे। देशव्यापी आंदोलन की ओर ये घटना जा रही है। केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, सरकार कान में तेल डाल करके सो गई है, तो हम तो नहीं सो सकते ना। आपको नींद आ सकता है, हमें कैसे नींद आएगा? हमारा समाज, हमारा खानदान भयभीत है, आतंकित है, तो हम नहीं सो सकते। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें भी मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सुबोध राय जी के चले जाने से, सुबोध राय जी के परिजन अकेले हो गए हैं, तो ये आपकी भूल है। हो सकता है कि यहां पे यादवों की संख्या कम होगी, बैकवर्डों की संख्या कम होगी, एससी एसटी की संख्या कम होगी, तो आप समझ जाइए आपकी भी संख्या हर जगह मजबूत नहीं है मेरे भाई, आपकी भी संख्या हर जगह मजबूत नहीं है। मैं इशारों में बोल रहा हूं, आप इस चीज को समझ जाइए। जब आप हमारे कुल, हमारे खानदान को, आप हमारे वंश को, हमारे परिवार को क्षति पहुंचा सकते हैं, तो आपका भी परिवार जो है ना, आपका भी कुल खानदान सुरक्षित नहीं रह सकता। बस आप इतना जान जाइए। इस लाइव को आप लोग अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, ताकि सरकार की आंखें खुले, सरकार नींद से जागे, और जो अपराधी है, जो लगातार जो टॉर्चर कर रही है यादवों को, ओबीसी को, एससी एसटी को, वो अपने औकात में रहना सीख जाए। शासन से, प्रशासन से मेरी विनम्र आग्रह है
कि वहां जो आप जो दिए हैं, मैं वहां सुबोध राय जी के घर पे मैं गया हूं, जो वहां पे दिए हैं पुलिस बल वो रिटायर्ड की अवस्था में है, कुछ दिन में उनका रिटायरमेंट होगा, वो सही से दौड़ तो पाते नहीं है, अपराधी को क्या वो पकड़ेंगे। तो एसपी महोदय से मेरी आग्रह है कि इतनी बड़ी घटना को इतना हल्के में नहीं लिया जाए, इस घटना को गंभीरता से लेते हुए वहां एक पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जाए और स्वर्गीय सुबोध राय के परिजनों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की कृपा की जाए, वरना ये लड़ाई जो है जिस तरफ ले जाना चाह रहा है वो लोग अगर उस तरफ अगर चला गया तो फिर न हम खुद को माफ कर पाएंगे न वो खुद को माफ कर पाएगा। इस लड़ाई को देशव्यापी नहीं बनाई जाए, और उस समाज के लोगों से भी मेरा कहना है कि आप भी अपने समाज को, जो आपके समाज के जो लोग हैं उनको कंट्रोल कीजिए और इस लड़ाई को जिसने भी शुरू किया है, जो भी इसमें अपराधी है, उसको कानून के गिरफ्त में डलवाइए, उसका मन नहीं बढ़ाइए। मन बढ़ाइएगा तो मन हम लोग का भी बढ़ सकता है। इशारों इशारों में मैंने बोल दिया है और मैं स्पष्ट, मैं लाइव में बोल रहा हूं ना, तो आप समझ जाइए कि अब जान प्राण का हमको डर नहीं लगता है, जान प्राण का डर नहीं लगता है, बस कानून पे, संविधान पे, न्यायपालिका पे भरोसा है और उसी भरोसे के साथ चलते रहते हैं। तो बस विनम्र रिक्वेस्ट है सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि इस घटना को गंभीरता से लिया जाए और किसी भी अनहोनी हो जाने से, किसी भी अप्रिय घटना हो जाने से उस परिवार की रक्षा की जाए, बचाई जाए। बस मेरे तरफ से यही आग्रह होगा और बाकी समाज के जो लोग हैं, उधर के समाज के लोग, उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने समाज को आप संभालिए, वो ज्यादा बेटर होगा, वरना अगर हमारे समाज को आप टॉर्चर करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग शिवहर में ज्यादा की संख्या में हो सकते हैं, रोहुआ पंचायत में आपकी जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, पूरे देश में आपकी जनसंख्या ज्यादा नहीं है मेरे दोस्त, बस आप इतना जान जाइए। तो जब आप जब टॉर्चर कर सकते हैं, जहां पे हमारे समाज की जनसंख्या कम है वहां पे जब आप टॉर्चर कर सकते हैं, तो वो प्रक्रिया हम लोग को भी करना आता है, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप संभल जाइए, बस उस इंतजार में हम लोग लगे हुए हैं। विशेष आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, खुद समझ रहे होंगे, और समस्त जितने भी जो यादव समाज के लोग हैं, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सब जागे रहिए, आप देख रहे हैं हमारी एक्टिविटी को, गाना बजाना छोड़ छाड़ करके, हम कोनो नेता होता ना है, गाना बजाना छोड़ छाड़ करके लगातार समाज के काम में लगे हुए हैं, किसके लिए लगे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि ताकि समाज हमारा खुद को कमजोर महसूस ना होने दे और समाज को कोई भी व्यक्ति अपमानित करके ना चला जाए, समाज पे तिरछी निगाह डाल करके ना चला जाए। तो आप लोग भी एकजुट होइए,
बस आप सबसे यही मेरी आग्रह है, जागिए। सुबोध राय की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। जय श्री कृष्ण।